हेलो एवरीवन, मायसेल्फ योगेश चंद्र शुक्ला, स्वागत है आपका योगेश शुक्ला बायोलॉजी पर। ये चैनल आपका है, इस चैनल पे सारा अधिकार भी आपका है, इसलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करने की बात आज मैं नहीं कहूंगा, आपका मर्जी है। आप अपने चैनल के साथ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, यस करें या ना करें, दोस्तों के साथ शेयर करें या ना करें, आपकी मर्जी है। फिर भी स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउट नेट पर। और हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th के, अच्छा जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था, आखिरी के कुछ पार्ट बचे हुए हैं, तो वो जो है पार्ट जो था वो हमने ऑलरेडी पहले वाली प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवा दिया था, उसे मैंने डिटेल में ही पढ़ाया था, उसमें कोई शंका नहीं थी। तो आज बच्चे उस टॉपिक को जाकर और रीरीड कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक उसे नहीं पढ़ा है, समझ रहे हैं। तो ये अब पहले की क्लास और अभी की क्लास, इस साल की पूरी क्लासेस आप लोगों को मिल गई है, प्लेलिस्ट आप देख रहे होंगे, और उस प्लेलिस्ट को क्लास को देखकर पूरा कंप्लीट कर लेना, उस पे हमने पूरा रिप्रोडक्शन ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाया हुआ है। इस चैप्टर को जनन स्वास्थ्य, ये भी लगभग आधा मैंने प्रीवियस क्लास में पढ़ा दिया था, तो अब की बारी इसको दो दिन में खत्म करना है, दो क्लास में खत्म। अब इसमें सबसे ज्यादा पूछा क्या जाता है और सबसे ज्यादा हमें पढ़ना क्या होता है, उन्हीं दो तीन चीजों को पढ़ के, बाकी चीज तो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा ही दी है, तो आपको चिंता नहीं करना। इसके बाद हम पहुंचेंगे एक बड़े चैप्टर में, वंशागत की एवं विधता का सिद्धांत, और उसे पढ़ाने में मुझे अब बहुत ज्यादा खुजली हो रही है कि वो चैप्टर बच्चों को पढ़ाना ही है, वो भी बहुत जल्दी। मेंडल साहब सपने में आ रहे हैं कि कब से मेरे चैप्टर्स को रोक के रखा हुआ है, पढ़ा क्यों नहीं रहा है। तो अब मेंडल साहब का सपना पूरा करना है, बहुत ही जल्द आपको वंशागत की विविधता का सिद्धांत, फिर उसके बाद वंशागत की का आण्विक सिद्धांत, फिर एवोल्यूशन, और उसके बाद बड़े बड़े चैप्टर पढ़ाने के लिए मन मचल रहा है। तो वीडियो पसंद आए अंत तक जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। ओके बेटा जी, एक बात और, आज हमने आपको होमवर्क दिया है, आज हमने आपको होमवर्क दिया है, सो आप कमेंट सेक्शन के ऊपर में एक लिंक देखेंगे जिसमें होमवर्क लिखा होगा। अगर आप मेरे प्रिय विद्यार्थी हैं, अगर आप हमें पसंद करते हैं, तो आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े भाई की आज्ञा अगर आप पालन नहीं कर रहे हैं तो आपसे बड़ा निर्लज्ज व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा है। सो प्लीज आप जाकर होमवर्क जरूर कंप्लीट करें, करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे। ये ठहरा आपका चैनल, क्या क्या करना है आपको पता है भैया, यहां पे सब्सक्राइब कर देना है, यहां पे बेल आइकन प्रेस कर देना है, मंशा हो तो जरूर कर दीजिए। इसके अलावा आपको हमारे सारे कार्यक्रमों की जानकारी कैसे मिलेगी कि हम किस दिन सेमिनार लेते हैं, सॉरी हम किस दिन सेमिनार लेते हैं, हमारा पीडीएफ किधर आता है, वगैरह वगैरह, ये सारी जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी, योगेश सर बायोलॉजी टेलीग्राम चैनल का नाम है, और सॉरी ये इंस्टाग्राम का हैंडल है योगेश शुक्ला बायोलॉजी, आप यहां पर भी हमारी सारी जानकारी बता दे सकते हैं, ठीक है बेटा जी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आज की एक बात यह है कि कल है 22 जून और कल तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगी, कल तक ये बैच कवर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस बैच को आपको अगर लेना है तो आप अपने दिल से एक सवाल पूछिए, मैं सभी बच्चों से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि यार एकदम क्लियर है कि लाइफ में आज की परेशानियों को, बेड़ियों को अपने पैरों से बंधे रहने देना चाहते हो या जिंदगी की सबसे बड़ी छलांग लगाना चाहते हो। वो कहते हैं ना कि जिंदगी में जब सबसे बड़ी जरूरत होती है, देखो यार आज तक तुम्हारी परिस्थितियां कैसी भी रही हो, अप डाउन ऊंचा नीचा सब में लगा रहता है, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, वॉट एवर आपकी लाइफ में भी होंगी, बिल्कुल किसी का लाइफ इसे अछूता नहीं, पर अगर आपकी लाइफ में आपके सपने के बीच में कोई चीज आ रही है तो वो परेशानी नहीं, वो बेड़िया है, वो जुलझने हैं, वो दिक्कतें हैं जो आपकी लाइफ में आपको बढ़ने से रोकना चाहती है। या फिर कहना चाहिए ना, ऊपर वाला आपकी परीक्षा ले रहा है कि क्या आपको इसको पाने की सबसे बड़ी चाहत है या नहीं। तो हर समय जब भी उतार चढ़ाव, पाना छोड़ना, इन सब के बीच में एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या जो चीज मैं सोच रहा हूं ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत है या नहीं। अगर वो सबसे बड़ी चाहत है तो उसके लिए लड़ जाइए, मर जाइए, मिट जाइए, छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, उठना बैठना, खाना पीना, हर चीज छोड़ी जा सकती है, क्योंकि वो तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत है। जिंदगी में बस एक सवाल खुद से पूछने की हिम्मत रखा करो कि लाइफ में चाहिए क्या, और अगर चाहिए तो फिर उसके लिए हर चीज जाहिर है, हर चीज जायज है, हर चीज
हर चीज छोड़ी जा सकती है फिर उस चीज के लिए। तो इसलिए अगर तुम्हारी लाइफ में डॉक्टर बनना सबसे बड़ी चाहत है, तो सिर्फ मैं तुमसे कह रहा हूं कि अगर डॉक्टर बनना चाहते हो, सब चीजें प्राप्त करना चाहते हो, जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई को सबसे बेहतर तरीके से जीतना चाहते हो, आरंभ बैच में आपका स्वागत है। नीट 2024 की सर्वश्रेष्ठ बैच, हिंदी माध्यम का सरताज इतिहास रचने वाली बैच, आरंभ बैच ये जुलाई 1 से स्टार्ट हो रही है और आपके लिए तैयार है एक मंच जिसमें आप अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रतिभा को दिखा सकते हैं, और यह प्रतिभा है डॉक्टर बनने की। आरंभ 2.0 इस बैच का सबसे बड़ा फीचर है बेटा, लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। वो हर क्लासेस में लाइव आप बच्चों से मतलब आप पढ़ेंगे और आप अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन देकर टीचर से वन टू वन इंट्रेक्शन करके आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ अनुभव प्राप्त करेंगे। ए स्टार टॉप बैच मिलेगी, सर्वश्रेष्ठ कॉम्पिटिशन मिलेगा। ना सिर्फ बात अब सिलेक्शन की होगी बल्कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में एंट्री करने की बात होगी। बेटा देखो, 3-4 सालों में डाउटनट ने हिंदी मीडियम को बढ़ने के लिए बढ़िया प्रेरणा दी है। अब इस प्रेरणा को और आगे बढ़ाने के लिए अब हमारी प्रेरणा यह है, हमारा लक्ष्य यह है कि इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज एम्स, मौलाना आजाद, BHU, यहां पर एम्स जोधपुर में हमारे बच्चे हिंदी मीडियम के बैठे। ए स्टार टॉप बैच का यही लक्ष्य है। बैकलॉग सीरीज कवर करवाई जाएगी, हर बच्चा अपनी पुरानी भूली हुई चीजों को भी यहां पर कवर कर पाएगा। परफॉर्मेंस चेक करवाई जाएगी, डे टू डे ग्रोथ करवाई जाएगी, हमारी जिम्मेदारी है। होमवर्क करवाया जाएगा, टीचर्स की स्लाइड्स मिलेंगी, टीचर्स के नोट्स मिलेंगे और मिलेगा वो सब इस आरंभ बैच में। इस फोटो में लगे हुए किसी भी इंसान को पहचानना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं है, कोई मोहताज नहीं है पहचान के। फिर भी आपको मैं एक बार बताता हूं कि ये वो कौन से वो शख्स हैं जिनकी शख्सियत ने आपको डॉक्टर बनाने की क्षमता है। कामेश जांगिड सर, विक्रम सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, शुभम पालीवाल सर, विपिन सर आपको इसमें फिजिक्स पढ़ाएंगे, पार्थ सर और मैं यानी योगेश चंद्र शुक्ला बायोलॉजी पढ़ाएंगे, और ये सारे टीचर्स मिलकर आपको आपका लक्ष्य पूरा करने में मदद करेंगे। ये बैच वैसे तो 11,999 की है पर आपको मिलेगी बेटा 6,999 रुपए में, और ऑफर सिर्फ कल तक है, 22 जून तक है। जिंदगी में मतलब हर चीज को ना उतना ही सीरियस लिया करो, वाने बैच को ज्वाइन करने का आखिरी मौका है। 01247158250 पे कॉल करो, आरंभ बैच आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड। अगर आपको इसको लेने और ना लेने में कोई संशय हो रहा है तो वो एक सवाल खुद से पूछो, आपको परेशानी का हल मिल जाएगा। या जिंदगी में जब भी किसी परेशानी में उलझो, ये सवाल खुद से जरूर पूछ लिया करो कि इसका मेरी जीवन में कितनी महत्व है। अगर वो महत्व है तो बहुत बढ़िया, मजा आ जाएगा। चलिए जनाब, कॉमेंट सेक्शन पे एक प्यारा सा रोर और चाहिए मुझे बच्चों का कॉमेंट्स, और उसमें रोर, यस सर वी आर रेडी। और हम पढ़ने जा रहे हैं आज एक जबरदस्त पाठ, गर्भ निरोधक विधियां। ठीक है, जनन स्वास्थ्य में और भी बहुत सारी चीजें हैं लेकिन जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एंड नोड नीट में, वो है गर्भ निरोधक विधियां। इससे पहले की चीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आज मैं आपको नोट्स बनवाता हूं गर्भ निरोधक विधियों का। एक सेशन और होगा जिसमें मैं MTP यानी गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन के बारे में आपको बात करूंगा, एक वीडियो जिसमें एमनियोसेंटेसिस के बारे में बात करूंगा, और सबसे अंत में एक चीज मैं बताऊंगा कि मतलब कृत्रिम तरीके से गर्भाधान की विधियां, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स, ये विषयों पे बात करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं दावे से कह रहा हूं कि नेक्स्ट वीक जब हम मंडे से स्टार्ट करेंगे तो नया चैप्टर होगा वंशागत की एवं विविधता का सिद्धांत। तैयार हैं? कहां है आपका प्यार, कहां है आपका दिल, भूल गए आज डालना? तैयार हो गए? अरे डालो यार, वो अपने दिल को भी एक बार भेज दो, हमें देखना चाहते हैं कि तुम्हारा दिल यहां पर लगा है कि नहीं लगा है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए बेटा जी, हम स्टार्ट करते हैं। सीधी सी बात आप सभी जानते हैं, इस बारे में मैंने आपको बता ही दिया था कि भारत की आबादी, विश्व की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही, कितनी बढ़ रही है आपको पता है कि आजादी के समय लगभग हमारी आबादी जो है 30 करोड़ के आसपास में थी, 35 करोड़ के आसपास में थी, और आज वो आबादी जो है वो 120 करोड़ से क्रॉस कर चुकी है। इतनी बढ़ती हुई आबादी को रोकने का सबसे बेहतरीन उपाय हमारे पास में होना चाहिए, और उस उपाय की हम बात करने जा रहे हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय जिसे अगर मैं कहूं तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। मैक्सिमम बच्चे जिसने इसे पढ़ लिया मतलब एग्जाम के सारे पॉइंट आपसे बन जाएंगे और नोट्स इसी के बनते हैं।
इससे पहले पढ़ाई हुई हर चीज मोरल कॉन्सेप्ट की है कि यार क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह। बड़ी मुश्किल है वो सब चीजें, उनका सबको पता है यार अब रोकना चाहिए। और क्या, आबादी बहुत बढ़ रही है, इतनी आबादी थोड़ी होनी चाहिए यार, इंसान से ज्यादा मतलब कोई है ही नहीं इस दुनिया में, जिधर देखो इंसान इंसान इंसान। रोकना बहुत जरूरी है, आइए रोकते हैं, मिलकर रोकते हैं। आप दोनों मिलकर रोकेंगे, हम सब मिलकर रोकेंगे तो रुक जाएगा। गर्भ निरोधक उपाय, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नीट में और बोर्ड में पूछा जाता है कि आदर्श गर्भ निरोधक के बारे में बताओ। सबसे पहले बताओ आदर्श गर्भ निरोधक कैसा होता होगा, मुझे बच्चा पैदा करने से रोकना है, आखिर कैसे मुझे आदर्श गर्भ निरोधक बनाना है। यार प्रेगनेंसी को रोकना है तो कुछ बेहतरीन चीजें कुछ सोच रखा है, कैसे रोकोगे कैसे रोकोगे। कुछ कह देंगे हाँ 10-20 लोग का मर्डर ऑर्डर कर देंगे, यार ऐसे में आबादी थोड़ी रोकोगे यार, ये तो गलत बात है ना। कुछ लोग कह देंगे कि यार हो सकता है एमटीपी करवा देते हैं, चिकित्सा का मतलब सगर्भता का चिकित्सकीय समापन कर देते हैं, ऐसे थोड़ी होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहला, आदर्श गर्भ निरोधक सस्ता होना चाहिए। दुनिया की आधे से ज्यादा आबादी जो है ना पैसा नहीं है उसके पास, वो कह देगा इससे अच्छा तो बच्चा ही पैदा हो जाए। सस्ता होना चाहिए, सस्ता होगा एवं आसानी से उपलब्ध, कोई मेहनत नहीं करना चाहता बच्चा पैदा करने से रुकने से, आसानी से उपलब्ध, ये दो सबसे बड़ी चीज है, उपलब्ध होना चाहिए। अगर गर्भ निरोधक है तो आसानी से उपलब्ध हो पहली चीज, और दूसरा सस्ता होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए, नहीं तो कोई उपयोग नहीं करेगा। पैसा लगा लगा के हम गर्भ निरोधक लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है, फ्री में चाहिए हमको, आसानी से घर में पहुंचा के देके जाओ, बाहर नहीं ना जाएंगे हम, क्या करेंगे इसको लेके। बढ़िया, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, उसके बाद इजिली अवेलेबल तो है ही है, उसके बाद आसानी से उपयोग होना चाहिए, आसानी से उपयोग योग्य होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि यार इसको उपयोग करने में बड़ा समस्या लग रहा है, उपयोग योग्य होना चाहिए, ठीक है, मतलब आसानी से उपयोग कर सकने वाला होना चाहिए, इसमें ज्यादा ताम झाम पराम ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे अगर अपन बात करें कि और क्या होना चाहिए, यार इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब प्रभावी तो होना ही चाहिए, प्रभावी। एवं दूसरी बात होती है कि यह दोबारा उपयोग करने वाला होना चाहिए, दोबारा उपयोग करने योग्य होना चाहिए, उपयोग करने योग्य होना चाहिए, कि यार ये बार बार थोड़ी कोई खरीद पाएगा यार, तो ऐसा करो कि इसे दोबारा भी उपयोग कर लेंगे तो भी बढ़िया बात हो जाएगी। अगर दोबारा उपयोग कर सकते हैं गर्भ निरोधक को तो बढ़िया बात हो जाएगी, ठीक है, यह बात होनी चाहिए। चौथे नंबर का बात होता है इसका प्रभावी मतलब जो दुरुपयोग है, साइड इफेक्ट, इसमें कह सकते, अरे यार नोट्स बना रहे हो ना कि तुम सब बकैती कर रहे हो, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बकैती मत करो, लिखो, ठीक है, पांच में नोट्स इसीलिए बनवा रहा हूं, नहीं तो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसमें निजता एवं जो क्या बोलना चाहिए, मैथुन की भावना बनी रहनी चाहिए। मैथुन की भावना का मतलब होता है यार कि बनी रहनी चाहिए, मतलब जो सेक्सुअल इंटरकोर्सेस है उसमें कोई इंटरप्शंस नहीं आना चाहिए, अनइंटरप्टेड होनी चाहिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत यहां पर दिक्कत आ गई ना तो लोग यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो सेक्सुअल डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, मैथुन की भावना पूरी होनी चाहिए, निजता बनी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक उपयोग करने के लिए किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़े, कुछ चीजों के लिए डॉक्टर लेकर जाना पड़ेगा। तो ये पांच चीजें हैं, पांच नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितने प्रतिशत बच्चे लिख लेंगे, पांच नंबर का क्वेश्चन आता है, लिख के लो ले मेरे बच्चे, ये बोर्ड में पूछा जाएगा कि इनमें से गर्भ निरोधक का सबसे मतलब गर्भ निरोधक अच्छा कौन है, अच्छा गर्भ निरोधक बताइए कौन है गर्भ निरोधक, जल्दी बोलिए आंसर यहां पर क्या है सबसे अच्छा गर्भ निरोधक, कमेंट सेक्शन पर लिखा हाँ या ना। आपस में बात करने वाले को लगता ना ऐसा जोर से तमाचा मारे, कान के नीचे एकदम लाल हो जाए, इतनी बड़ी चीज पढ़ा रहे हैं गर्भ निरोधक पढ़ा रहे हैं, दुनिया की आबादी कम करने की बात चल रही है, तमाचा कर रहे हो यहां पर, चुपचाप इसको लिखो, ठीक है। तो यहां पर जो है, यहां पर पॉइंट आता है कि सस्ता और आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, आसानी से उपयोग होना चाहिए, प्रभावी दोबारा उपयोग होना चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, इसमें निजता एवं मैथुन की भावना बनी रहनी चाहिए, ये सारे पांच नंबर में पॉइंट में पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया, स्टार्ट करते हैं, कौन कौन से गर्भ निरोधक बनाया गया है आज तक,
बोर्ड के हिसाब से, नीट के हिसाब से सारी कहानियां आज आपको मैं बताऊंगा, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन बनवाऊंगा और आप लोगों से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। निरोधक, पहला प्राकृतिक, पहला पॉइंट मैंने कह दिया प्राकृतिक गर्भ निरोधक। यार कुछ ऐसी विधियां भी हैं जो प्राकृतिक तरीके से काम करती हैं। कौन कौन सी विधियां हैं? पहली विधि का नाम बताते हैं। पहली विधि का नाम होता है बच्चे यहां पर, पहली विधि का नाम है आवधिक संयम। पहला पार्ट आता है आवधिक संयम। अब इस संयम का मतलब बताते हैं, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है जनाब पेरियोडिक एब्सिस्टेंस। सारे बच्चे कॉपी में जरूर लिखिएगा कि आवधिक संयम के विषय में आप क्या क्या लिख सकते हैं। आवधिक संयम के बारे में सबसे पहला आप कर चुके हैं, एक बार फटाफट रिवीजन करवा देते हैं ताकि तुम नोट्स बना लो। आवधिक संयम में सबसे पहला पार्ट यह आता है कि यह मतलब क्या बोलना चाहिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, आर्तो चक्र के दौरान, ऐसा लिख सकते हैं, लिखो कॉपी में, आर्तो चक्र के 10 से 17वें दिन तक मैथुन से बचाव करना चाहिए, मैथुन को अवॉइड करना चाहिए। क्या कह सकते हैं? अवॉइड करना चाहिए। बहुत बढ़िया, पहली चीज हो गई। क्यों भाई? यह 10th to 17th डे ये जो होता है इसे निषेचन काल कहा जाता है। कौन सा काल कहते हैं बेटा? निषेचन काल कहा जाता है। और निषेचन काल कहा जाता है इज अ फर्टिलाइजिंग पीरियड। और अगर इस समय तक मैथुन होगा, इंसेमिनेशन होगा, तो बच्चे यहां पर रुक जाएंगे। मैथुन को अवॉइड करना चाहिए 10 to 17 डेज। बस वैसे पढ़ने की बहुत चीजें हैं, मैं आपको टू द पॉइंट बता रहा हूं। कौन से दिन तक? 10 से 17वें दिन तक मैथुन को अवॉइड करना है। और ये 10 to 17 डेज अवॉइड को कौन सा काल कहा जाता है बेटा? निषेचन काल कहा जाता है। ये याद रखना, ये 2-4 दिन आगे पीछे होता है। यहां पर आप याद रखना कि 10 से 17 है दिन, क्यों क्यों टाइम मतलब कारण बताओ। 10 से 17 दिन के तीन कारण हैं। पहला, स्पर्म का जीवन काल आपको पता है कितने दिन का होता है? जनरली 2 से 3 दिन का होता है, वैसे ये 7 दिनों तक भी जा सकता है। उसके बाद ओवा का जीवन काल कितने दिन का रहता है? ओवा का जीवन काल भी लगभग 2 से 3 दिन का होता है। इसके अलावा एक और चीज बहुत जरूरी है, वो है अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग जो है वो 14th to 16th डे ही होगा। ये 4-3 कारण है। आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये यही चीज क्यों डिसाइड की गई, तो आप बोलना तीन कारण है। 14 से 16 दिन तक अंडा आएगा, उसके 3 दिन बाद जिंदा रहेगा, तो 3 दिन बाद तक रोक दो। जिस दिन अंडा बना है उसके 3 दिन पहले स्पर्म रुक सकता है, तो 3 दिन पहले की प्रक्रिया को रोक दो। तो 3 दिन पहले 3 दिन बाद इस दिन कार्यक्रम अगर नहीं होगा, हमारा काम हो जाएगा। और ये आवधिक संयम है। कितने प्रतिशत बच्चों ने ये पॉइंट लिखा है? और इसके बाहर एक लाइन भी मत लिखना तो तुम्हारा एक एक पॉइंट में पूरे नंबर मिलेंगे। से यस और डन कह दो। पढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं, बताने की बहुत सारी चीजें हैं, पर नीट और बोर्ड के हिसाब से टू द पॉइंट अगर मैं नोट्स बनवाऊं तो बस इस नोट्स में इतनी बातें लिखना, मात्र इतनी बातें लिखना कि आवधिक संयम पर भैया इस दिन तक मैथुन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? इस समय को निषेचन काल कहा जाता है, यहां पर बच्चे पैदा करने की संभावना सर्वाधिक होती है। अब सर्वाधिक क्यों है भैया? सर्वाधिक इसलिए है, इसके 3-4 कारण है। यहां पर स्पर्म जो है ना जिंदा होगा, इसी समय पर ओवा भी जिंदा हो सकता है, इसी समय पर ये लोग अंडोत्सर्ग भी होता है। ये 3 रीजन हैं। अगर इन 3 चीजों को टारगेट कर लिया जाए, आवधिक संयम परफेक्ट मेथड हो सकता है। दूसरी विधि बेटा, दूसरी विधि आती है क्वाइटस इंटरप्टस, इसे बाह्य स्खलन कहते हैं। बहुत सीधी सी बात है, इसे कहा जाता है क्वाइटस इंटरप्टस। क्वाइटस मतलब होता है सेक्सुअल इंटरकोर्सेस, और इंटरप्टस का मतलब उसमें व्यवधान डालना है। तो याद रखना, योनि के बाहर वीर्यसेचन। मैंने कल आपको पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में कि यार जब निषेचन करना है ना, उसके लिए वीर्यसेचन होना बहुत जरूरी है। स्पर्म का योनि के अंदर प्रवेश करना बहुत जरूरी है, तब वो रास्ते में चल सकता है। उस रास्ते में पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर योनि के बाहर वीर्यसेचन करने की प्रक्रिया, अब अगर बताओ वहां पर
निषेचन मतलब वो प्रक्रिया जो है वो पहुंचेगा ही नहीं, अगर मान लो योनि तक गया ही नहीं, योनि में गया ही नहीं, शरीर के बाहर रिलीज कर दिए, योनि से बाहर वीरसेचन करने की प्रक्रिया, ठीक है, तो मतलब जस्ट बिफोर द इजाकुलेशन इंसेमिनेशन होने वाला है, वीर्य गिरने वाला है, उससे पहले ही अगर शिश्न को योनि से बाहर निकाल लिया जाए तो याद रखना यह बाह्य स्खलन कहलाता है। याद रखना मैथुन के दौरान आप इसमें लिख सकते हैं, मैथुन के दौरान वीर्यसेचन से पहले शिश्न को योनि से बाहर निकाला जा सकता है, योनि से बाहर निकाल कर स्खलन होता है, स्खलन करने से निषेचन नहीं होगा। और अगर निषेचन नहीं होगा तो हो गया हमारा काम, क्या करना है अपने को, बस वीर्यसेचन से रुकवाना है, निषेचन नहीं होना चाहिए, बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए, दैट्स ऑल, कहानी खत्म। बस समझ में आ गई मेरी बात, यहां पर पॉइंट हो गया। अगली कहानी पे पहुंचते हैं, तीसरे नंबर की प्रक्रिया आ गई यहां पर, इसका नाम है स्तनपान अनार्तव। बहुत ध्यान से समझिएगा, स्तनपान अनार्तव का मतलब होता है, इस समय क्या होगा कि स्तनपान के दौरान ऐसा समझ सकते हैं, अरे यार क्या हो रहा है, प्रसव के सिक्स मंथ तक दुग्ध पान करवाने से आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता है। सिक्स मंथ तक जो है वो जो आर्तव चक्र है वो प्रारंभ नहीं होगा। कितने महीने तक? 6 महीने तक। अब ये 6 महीने तक अगर आर्तव चक्र प्रारंभ नहीं होता है, यह कौन से हार्मोन की वजह से होता है बेटा? प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन के कारण होता है। कारण जरूर बताना, कारण क्या है? हार्मोन के कारण होगा। अब ये सारे बच्चे पिछले चैप्टर में तुमको पढ़ाया हुआ है, बार बार वही वही लिखाने की जरूरत नहीं है कि यार अगर 6 महीने तक दुग्धपान करवाया जाएगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, और अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा तो बच्चा क्या खाक पैदा होगा? ओवा बनेगा ही नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा ही नहीं, बच्चा कहां से पैदा होगा? बच्चा होना ही नहीं है, तो कहानी खत्म। हॉर्मोन कौन सा? प्रोजेस्ट्रॉन। टू द पॉइंट, एकदम देखते ही फीमेल के अंदर क्यों मर जाता है और प्रेगनेंसी नहीं होती, वो एक और अलग रीजन है कि अंदर की पीएच वीएच बढ़ जाते हैं, फीमेल के अंदर का पीएच भी बढ़ जाएगा तो भी स्पर्म मर सकता है और प्रेगनेंसी नहीं होगी। समझ गए? तो यहां पर ये प्राकृतिक विधियां हो गई, ठीक है यार, प्राकृतिक विधियां हो गई। अब दूसरी विधियों की तरफ में पहुंचते हैं, ये पहला ए है, ये बी है और ये सी है। दूसरी विधियों की तरफ में पहुंचते हैं, दूसरी विधि है मेरे बच्चे रोधक यानी बैरियर्स। आज ये पूरे मेथड बताकर ही जाऊंगा आपको, बैरियर रोधक, जितना लिख सकते हो लिखना, बैरियर्स। पता नहीं क्या हो रहा है यार, बड़ी छीक आ रही है। रोधक आ जाए भैया, रोधक की तरफ में आते हैं। रोधक कौन कौन है? सबसे पहला रोधक है जिसे अपन कहते हैं, इनका काम क्या है, मतलब वो बताओ, एम्बिशंस बताओ इनका, मतलब कार्यशैली बताओ। यह स्पर्म एवं ओवा को मिलने से रोकते हैं। ये स्पर्म एंड ओवा को मिलने से रोकना है, पहला बैरियर, वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात, नाम है कंडोम। ठीक है, क्या क्या पूछा जाएगा बेटा इसके बारे में? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको बताना है पॉलीयुरेथ्रीन का बना, मतलब रबर का बना हुआ एक आवरण जो मैथुन के दौरान शिश्न को
ढक देता है, शिश्न को ढक देता है। अब जस्ट लाइक कि अगर शिश्न को ढक देता है तो यार स्पर्म योनि में जा ही नहीं पाएगा, तो इसकी वजह से जो स्पर्म है, स्पर्म योनि में प्रवेश नहीं करता, वो कॉन्डम में ही रह जाता है, नहीं करता है। बस कॉन्डम की कहानी बस इतनी है कि पॉलीयूरेथ्रिन का बना हुआ एक रबर का बना हुआ एक केमिकल जो शिश्न को ढक देता है, और जैसे ही शिश्न को ढक देता है, जैसे ही शिश्न को ढक देता है, उसके बाद वीर्य अंदर जाएगा ही नहीं, और जब तक वीर्य अंदर जाएगा नहीं, निषेचन होने के चांसेस है नहीं। कॉन्डम है ये, फीमेल में भी होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फीमेल का कॉन्डम भी होता है। तो फीमेल के कॉन्डम को कहा जाता है मेरे बच्चे फेविडोम्स। क्या कहा जाता है? फेविडोम्स कहते हैं। बहुत अच्छा। यह एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है, यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये वर्ड भी याद रखना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है, से भी बचाता है। तो जिसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जस्ट लाइक एड्स वगैरह वगैरह वगैरह, सारी चीजें जो होती हैं, यहां पर ये पॉइंट याद रखना है कि इसके हिसाब से आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है बेटा, कि से बचता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। ये कॉन्डम के विषय पे बात हो गई। कॉन्डम के बाद दूसरा विषय आता है बेटा, जिसे अपन कहते हैं डायफ्राम। डायफ्राम दूसरा पॉइंट आता है वॉल्ट, और इसके बाद आता है बेटा एक और नाम आता है सर्विकल कैप। इनके बारे में पूछा जाएगा, ये लोग क्या है यार, ये ना रबर का बना हुआ रोधक है, यह गर्भाशय के द्वार पर कुछ स्पर्म का भक्षाणु केमिकल, स्पर्म के भक्षाणु रसायन का मतलब होता है, रसायन की बात करूं अगर मैं रसायन की बात करूं तो जिनमें से आता है ZnSO4, जिसमें से आता है सिट्रिक एसिड, ये सारे केमिकल आते हैं, का जेली, सिट्रिक एसिड की जेली उपयोग कर लो, फोम यानी झाग उपयोग कर लो, या फिर क्रीम के साथ प्रयोग करते हैं, एक एक लाइन लिखना है, एक एक लाइन, प्रयोग करते हैं, जो फिर पॉइंट आएगा यहां पर, अगला पॉइंट आएगा, जो वीर का गर्भाशय में प्रवेश, कहां पर बेटा, गर्भाशय में प्रवेश रोकते हैं, ठीक है। कहानी खत्म हो गई कि एक ढक्कन है, जस्ट लाइक कि ये मान लो गर्भाशय वाला भाग है, ठीक है, ये गर्भाशय वाला भाग है, और इस गर्भाशय वाले भाग में एक मैंने ऐसे ढक्कन लगा दिया। अब इस ढक्कन के अंदर मैंने खूब सारा केमिकल एमिकल भर दिया है कि जैसे ही स्पर्म आगे जाने की कोशिश करेगा तो एक तो आधा ढक्कन रोक देगा और आधे ये जेलीज क्रीम वगैरह रोक देंगे, भक्षाणु क्रीम भी रोक देती हैं, भक्षाणु क्रीम भी इसको रोक देती हैं। ये आपका वॉल, डायफ्राम और सर्विकल कैप्स होगा। मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, कहां यूज होता है बेटा, गर्भाशय के द्वार पर। डायफ्राम, वॉल्ट, सर्विकल कैप्स, जितना लिखा हुआ है बस इतना ही कॉपी में लिखना, कहां उपयोग होता है, गर्भाशय के द्वार पर। कहां पर यूज होता है? गर्भाशय के द्वार पर। गर्भाशय के द्वार पर एक ऐसा गेट लगा दो, एक ऐसा द्वार लगा दो जिससे स्पर्म अंदर प्रवेश कर ही ना पाए, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, बस इसको लिख लो। ये सब पहले भी पढ़ाया हुआ है, इस बारी नोट्स बनवा रहा हूं बच्चों को मैं, इस बारी बोर्ड के लिए, और याद रखना ये नोट्स लिख लिख कर ही जरूरी होगा, सही है। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करना एंड सब्सक्राइब कर देना भैया हमारे चैनल को। बढ़िया, ये हो गया डायफ्राम। अब ये रोधक विधि का पहला कॉन्डम हो गया, दूसरा हो गया भैया यहां पर डायफ्राम, वॉल्ट एंड सर्विकल कैप्स। अब तीसरी विधि आती है, जरूरी, मजेदार, बहुत इंपॉर्टेंट। नाम क्या है, बहुत धीरे धीरे बता देता हूं, चलो इसको आईयूडी, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंट्रा यूटेराइन
यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस अंतः गर्भाशय गर्भ निरोधक, लिख लियो भैया, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, युक्ति। अच्छा, इसे पहले एक और नाम कहा जाता था, ये बोर्ड वाले बच्चों के लिए कुछ जरूरी पार्ट है, इसलिए कई जगह इसको ना IUCD नाम से भी दिखाई देगा, ठीक है, ये भी नाम से दिखाई देगा। तो कई जगह IUCD दिया जाएगा, तो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ये दोनों नाम से दिया जाता है। आपको पता है जब IUCD ना हमसे उपयोग किया जाता था तो लोग चांदी का उपयोग करते थे, यह इसमें चांदी उपयोग होता था, इसमें क्या उपयोग होता था, चांदी, ठीक है, चांदी उपयोग होता था। अब दिक्कत ये हो गई यार, इतना महंगा कोई चांदी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव उपयोग होगा के लिए करेगा, यहां चांदी देखने के लिए मिलता नहीं है, पहनने के लिए है नहीं किसी के पास चांदी, और तुम भारत जैसे देश में चांदी का कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस बनाओगे, धिक्कार है तुम में फिर, तो दिक्कत हो जा रही थी। फिर बनाया गया IUCD अलग अलग प्रकार का, तो IUD के प्रकार आए यहां पर, आ जाओ भैया प्रकार कर देखते हैं क्या होता है यार, गर्भाशय के अंदर तो उपयोग करना है, तो इसमें से सबसे पहला होता है औषधि रहित। अब अगर तुम औषधि रहित है, औषधि रहित IUDs है, तो इसका एग्जाम्पल क्या आता है बेटा, इसका एग्जाम्पल आएगा लिपिस, सारे बच्चे लिख लेना, लिपिस लूप। क्या होता है लिपिस लूप को, लिपिस लूप जो होता है ये जनरली रबर का बना हुआ, रबर का बना, एवं इसमें एक केमिकल होता है ZnSO4 जो भक्षाणु प्रक्रिया करता है, भक्षाणु क्रिया करता है, तो बस हो गई कहानी खत्म, स्पर्म को मार देता है। अब ये रबर का बना हुआ, जनरली लिपिस लूप जो है भैया रबर का बना हुआ है, और साथ ही साथ में ये भक्षाणु प्रक्रिया है क्योंकि इसमें ZnSO4 होता है, तो मार दिया स्पर्म को, हो गई कहानी खत्म, बहुत अच्छा। दूसरे नंबर पे आते हैं औषधि रहित के बाद तांबा मोचक, तांबा मोचक IUD इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, तांबा मोचक। अब ये तांबा मोचक की कहानी क्या है, तांबा ही क्यों भाई, तांबा जो है कॉपर क्या करता है, कॉपर गर्भाशय में, कहां पर बेटा ध्यान से सुनना, गर्भाशय में स्पर्म की गतिशीलता, स्पर्म की यानी शुक्राणु की गतिशीलता, गतिशीलता कम करता है। अब जब गतिशीलता कम कर दिया तो उससे एक और कहानी आ गई, निषेचन क्षमता कम हो जाती है, निषेचन क्षमता कम हो जाती है। अब स्पर्म की निषेचन क्षमता कम हो जाती है, जब निषेचन क्षमता कम हो जाती है तो कभी कभी भक्षाणु क्रिया भी करता है, स्पर्म को मार देता है, भक्षाणु का मतलब जानते हो ना, भक्षण यानी खा जाना, क्रिया भी करता है। तो कॉपर के कितने काम है मेरे बच्चे, कॉपर के तीन काम है, कॉपर के कितने काम है, तीन काम है, कॉपर के तीन काम है, पहला काम है स्पर्म की गतिशीलता को कम करना, दूसरा निषेचन क्षमता को कम करना, और भक्षाणु की क्रिया भी करता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो एक हो गया बेटा कॉपर टी, दूसरा हो गया कॉपर 7, इसके बाद आता है LNG20, नोट्स बना, नॉट LNG20, सॉरी, इसका आ सकता है मल्टी लोड 375, ये हो गया हमारा तांबा मोचक IUDs। जितनी बातें मैंने कही है सिर्फ आप इतना ही लिखना, सिर्फ एक ही शुक्राणु होता है। अरे ये चौधरी छोरा बड़े मजे ले रहा है, लल्ला ब्लॉक होना है क्या, सोच भाई पढ़ाई कर ले मेरे बच्चे, ठीक है, एकदम शांति से पढ़ाई करना है, एक ही शुक्राणु एक ही करेगा। जितना टाइम वेस्ट तुम लोग इतना बड़ा बड़ा कॉमेंट लिखने में करते हो ना, उतना देर अगर पढ़ लो तो यार उद्धार हो जाए तुम्हारे जीवन का, समझे,
अब ध्यान से, उम्मीद है कि ब्लॉक होने से पहले अब बेटा सुधर जाएगा और ध्यान से पढ़ाई करेगा। समझ गया बात को, आ जाओ पॉइंट पे। तो तांबा मोचक आयोडीज कॉपर रिलीज करेगा, गर्भाशय की गतिशीलता को कम करता है, निषेचन क्षमता को कम कर जाता है, भक्षाणु की क्रिया भी करता है। कॉपर टी कॉपर 7 मल्टीलोड 375 डन। बढ़िया, आगे आगे पहुंचते हैं तीसरे नंबर पे, हार्मोन मोचक आयोडीज। कुछ लोग हार्मोन भी रिलीज करते हैं, हार्मोन मोचक आयोडीज। अब ये क्या करेगा, आज मैं ये पूरा खत्म करके जाऊंगा, आप चिंता बिल्कुल मत करो। हार्मोन मोचक आयोडीज, आज मैं तुम्हें गर्भ निरोधक युक्ति जिसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो आज मैं आपको बताकर ही जाऊंगा, और कल इसमें से दो तीन चीजें और बता दूंगा तो वो भी खत्म हो जाएगा। आज पूरा चैप्टर दो दिन में खत्म। हार्मोन मोचक आयोडीज कौन कौन है भैया हार्मोन के नाम पे? पहले तो प्रोजेस्टेरॉन, या फिर प्रोजेस्टेरॉन के साथ प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन, का कॉम्बिनेशन। कौन कौन सा हार्मोन है तुमसे पूछा जाएगा तो तुम बताना कि प्रोजेस्टेरॉन या तो प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। कार्य क्या करता है, यह पिट्यूटरी को, जो बच्चे पिछला चैप्टर पढ़े मुझे पता होगा कि उसे नकारात्मक फीडबैक देता है। नकारात्मक फीडबैक का मतलब होता है भैया कि अभी काम चल रहा है मत आना, फीडबैक देता है जिससे नया फीडबैक देगा। अच्छा, हार्मोन मोचक आयोडीज है, वन मिनट, पिट्यूटरी का नकारात्मक इफेक्ट में नहीं होता, आयोडीज वाला कॉम्बिनेशन है कि कॉम्बिनेशन डेल दिया। यह क्या करता है, इसके बारे में तुम कहना कि यह करता है, यह गर्भाशय को, बेटा किसको, गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बना देता है। क्या बना देता है, अनुपयुक्त बना देता है। तो यार वहां पर इस निषेचन होगा ही नहीं, अनुपयुक्त बन गया। ठीक बस ये पॉइंट है, अभी ध्यान रखना, मैं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। हार्मोन मोचक आयोडीज जो होता है वो सिर्फ अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बनाता है, इसके अलावा और क्या करेगा, यह ग्रीवा द्वार को गाढ़ा श्लेष्मा से भर देता है, जिससे स्पर्म प्रवेश ना हो सके। तो हार्मोन मोचक आयोडीज जो है ना हो सके, ये पॉइंट याद रखना। ये क्या करता है, या तो अकेला प्रोजेस्टेरॉन ले लो या तो प्रोजेस्टेरॉन के साथ एस्ट्रोजन को ले लो, ये एक ही काम करता है शिवानी, अभी नहीं बेटा, ये एक ही काम करता है। वो सिर्फ एक काम ये है कि ये ग्रीवा द्वार को श्लेष्मा से भर देता है, और या फिर गर्भाशय को अंतरोपण के लिए अनुपयुक्त बना देगा। एग्जाम्पल बता दो यहां पर, एग्जाम्पल है इसका बेटा क्या है, प्रोजेस्टेरेट, और दूसरे का नाम है LNG20। दूसरे का नाम क्या है, LNG20 का फुल फॉर्म होता है लेवनोस्ट्रगल 20, पर आप उसको मत जानिए, LNG बस जानिएगा, LNG20। ये दोनों हार्मोन मोचित आयोडीज हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तीन प्रक्रिया हो गई, चौथे नंबर की प्रक्रिया होती है मुखीय गर्भ निरोधक। इनके बारे में क्या पूछा जाएगा बेटा, आओ सुनो, कहानी सुनाता हूं तुमको, मेरी जुबानी तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। हार्मोन मोचक आयोडीज, बहुत सुंदर, क्या करना है भैया यहां पर होता है या तो प्रोजेस्टेरॉन को, अगेन वही कहानी, या क्या लिया जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन, दोनों साथ में लिया जाएगा। बहुत बढ़िया, तो क्या करेगा ये, यह वापस, मतलब क्या कहना चाहिए, यह नए अंडोत्सर्ग को रोक देता है, बस एक कहानी सीधे से लिखना, अंडोत्सर्ग को रोक देता है। अब तुमको एक बात पता है यार, कि जब तक प्रोजेस्टेरॉन तुम्हारी बॉडी में है ना, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल टूट नहीं सकता,
तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल दोबारा स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक प्रोजेस्ट्रॉन तुम्हारे पास में। तो प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से दोबारा वो चक्र हो नहीं सकता, और जब तक वो दोबारा चक्र होगा नहीं, अंडोत्सर्ग होगा नहीं, तो अंडोत्सर्ग को रोक देता है। सिंगल पॉइंट, अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ग्रीवा को शुक्राणु के लिए अपारगम्य बना देता है, शुक्राणु के लिए अपारगम्य बना देगा। एक और काम कर दिया, अपारगम्य बना देगा। और क्या कर सकता है? बस हो गया, ग्रीवा को शुक्राणु के लिए अनुपयुक्त अपारगम्य बना दिया, अंडोत्सर्ग को रोक देगा, प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन के दोनों के साथ में है। एग्जाम्पल आएगा मेरे बच्चे माला डी, या फिर आता है माला एन। एक तो माला डी और दूसरे का नाम होगा माला एन। ये होते हैं डेली पिल्स, डेली लिया जाता है। अरे डेली मतलब कैसे, हर दिन खाएंगे क्या? हर दिन खाएंगे क्या? श्लेष्मा मीन्स हाँ, लिक्विड गाढ़ा गाढ़ा तरल, जैसे थूक होता है वैसे ही श्लेष्मा होता है। डेली पिल्स, यह ब्लीडिंग के पहले दिन से, ब्लीडिंग के कब से कब तक लेना है? ब्लीडिंग के पहले दिन से आर्तव चक्र के 21 दिन तक लगातार खाते हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि यार ये डेली पिल्स कब कब खाते हैं, तो आप डेली पिल्स की एक ही कहानी याद रखना, अरे कब तक डेली पिल्स डेली खाते हैं और कब से स्टार्ट करते? ब्लीडिंग हुआ, खाना शुरू कर दो। ब्लीडिंग हुआ आज, खाना शुरू कर दो। और कब तक खाना? 21 दिन लगातार खाना है। फिर एक इसमें आता है सहेली, कहां बना था? कोई है लखनऊ का इधर बताओ? CDRI लखनऊ में, CDRI लखनऊ, लखनऊ में जो CDRI है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सहेली साप्ताहिक, साप्ताहिक मुखीय गर्भ निरोधक है, निरोधक है। सप्ताह में एक बार लेना है और सारी कहानी हो जाएगी, सारी कहानी हो जाएगी। पांचवें नंबर का पॉइंट आता है, सहेली कंप्लीट, सहेली कंप्लीट, बस अगली कहानी। पांचवा नंबर, इम्प्लांट। इम्प्लांट का मतलब होता है बेटा अंतरोप। इसी को कई जगह जो है ना लिखा जाता है नॉर प्लांट, नॉर प्लांट। क्या करना है भैया? हार्मोन की स्टिक, स्टिक मतलब हार्मोन्स की ऐसी लंबी लंबी ऐसी स्टिक बना ली जाएगी, वही प्रोजेस्ट्रॉन एस्ट्रोजन स्टिक बना ली जाएगी। त्वचा के नीचे अंतरोपित करते हैं बच्चा, क्या करते हैं? अरे नोट्स बना रहे हो ना, अंतरोपित करते हैं, बढ़िया। यहां पर ऐसे लगा लेते हैं और वो धीरे 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 हॉर्मोन्स पिघलता रहता है, ठीक है, पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, पिघलता रहता है, और जैसे हॉर्मोन्स की जरूरत है वैसा ही काम करता रहेगा। तो त्वचा के नीचे अंतरोपित करता है और यह क्या काम करेगा? अंडोत्सर्ग को रोक देगा, अंडोत्सर्ग को रोक देगा। अब जब अंडोत्सर्ग को रोक देगा तो यह भी मुखी पिल्स की तरह ही काम करता है, अंडोत्सर्ग को रोक देगा, हो गई कहानी खत्म। ना अंडा बनेगा ना निषेचन होगा, ना ही अंड बनेगा ना ही निषेचन बनेगा। हार्मोन के स्टिक जो है त्वचा के नीचे अंतरोपित करते हैं। हार्मोन कौन सा है मेरे बच्चे? प्रोजेस्ट्रॉन, और या तो प्रो प्लस एस्ट्रोजन, यही वही दो हार्मोन है जो इंप्लांट किया जाता है, अंतरोपित किया जाता है और रोका जाता है प्रेगनेंसी को। छठवें नंबर का सबसे अच्छा और सबसे परमानेंट उपाय, शल्य चिकित्सा। शल्य चिकित्सा क्या है भैया? शल्य चिकित्सा दो प्रकार की होती है। एक में तुम्हें क्या करना है, इसमें करना है तुम्हें शुक्रवाहक उच्छेदन। जो मैं तुम्हें बता रहा हूं बस उतना ही लिखना, उच्छेदन। और एक का नाम होता है अंडवाहिनी उच्छेदन। पढ़ाने की डिटेल बहुत कुछ बताया हुआ है,
पर अब की बारी बच्चों को सिर्फ एग्जाम में लिखने लायक चीजें बता रहा हूं, उच्छेदन। अब ये क्या है बेटा, ये होती है ट्यूबेक्टोमी। टोमी का मतलब काट के बांधना और शुक्रवाहक उच्छेदन का मतलब होता है वासेक्टोमी। यह किसमें होता है, पुरुष में, और यह किसमें होता है, मादा में। बस दोनों में अंडवाहिनी उच्छेदन करना है एक बार, और एक बार करना है शुक्रवाहक उच्छेदन। इसमें बस इतना ही चीज जो मैक्सिमम पूछा जाता है। अच्छा एक बात याद रखना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इसमें शुक्राणु बनते रहते हैं लेकिन बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन वीर्य में अनुपस्थित। बनेगा जरूर पर वहीं का वहीं रह जाएगा। उसी तरह ओवा भी बनता है, ओवा भी बनेगा परंतु अंडवाहिनी में नहीं आएगा, अंडवाहिनी में निषेचन नहीं होगा। तो बेटा देखो, एक ऐसी डिटेल, ऐसे ऐसे टॉपिक है ना जिनको पढ़ाने में मैं एक एक दिन में एक एक क्लास लेता था, एक दिन में एक एक क्लास भी लेता था, पर इस बारी मेरा पूरा फोकस इस बात पे था कि बच्चों को एक बार मैंने पढ़ा दिया है और अब जब हम दोबारा पढ़ रहे हैं तो उन चीजों पे फोकस करें जिनके ऊपर बच्चों से एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन आता है। वैसे पढ़ने का भी इतना ही पढ़ना होता है। आज मैंने एक भी एनसीईआरटी के पॉइंट आपको उठा के नहीं छपवाए। मैंने कहा नोट्स खुद से बनवाऊंगा बच्चों को मैं, और ये नोट्स तुम्हारे सामने है, इसके हिसाब से आप सकते हैं। हां जी, यूरिन आएगा ना, यूरिन के रास्ते को हमने ब्लॉक ही नहीं किया है। एक में वासेक्टोमी को ब्लॉक किया है, वास डिफरेंस को, उसके बाद यूरिन आना शुरू होता है, और अंडवाहिनी में भी पहले ब्लॉक होता है, उसमें भी कुछ ब्लॉक नहीं किया हमने। अंडवाहिनी का तो फीमेल्स में तो दो अलग अलग रास्ते होते हैं ना भाई, फीमेल के रास्ते कभी एक नहीं होते। फीमेल में ओवा अलग से मतलब गर्भाशय का रास्ता अलग है, यूरिन का रास्ता अलग है, दो अलग अलग रास्ते हैं, जबकि नर में एक ही रास्ता है और एक रास्ते को हमको ब्लॉक करना है। कुछ इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर कट तरीके से बोर्ड और नीट दोनों के हिसाब से आज कंप्लीट करवाया है एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट जनन स्वास्थ्य का। और इसी में मैं समझता हूं कि एक और चीज अगर पढ़ा दी जाए, खासकर वो है IVF टेक्निक, ZIFT, GIFT, तो ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाता है और उसके लगभग हम मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को पढ़ चुके होते हैं। इस चैप्टर में कुछ और बड़ा चीज नहीं है। इस चैप्टर में जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर हम इतना पॉइंट समझ लेते हैं तो इस तरीके से पूरा पॉइंट कंप्लीट हो जाता है। और ये आज का नोट्स के साथ पढ़ाने का तरीका मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। यहां तक की चीजें मैंने पहले भी पढ़ा दी थी, चार चार सेट में पढ़ाया, चार चार पॉइंट पे। तो आप लोग जाकर इसी चैनल पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का प्लेलिस्ट ढूंढोगे तो आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो आप में से मैक्सिमम बच्चे उस चैप्टर्स की वीडियो को देखो, जाकर पढ़ो, समझो, वहां पर जरूरी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, ऐसे ही पढ़ते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए। और आपके लिए एकदम सबसे जबरदस्त चीज है बेटा, एक आरंभ बैच, आरंभ 2.0, ये नीट 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 जुलाई 2023 से, और 2024 में आपको डॉक्टर बनाने के लिए एक लाइव बैचेस आपको मिलेंगी, ए स्टार टॉप बैच आपको मिलेगा, और आपको बैकलॉग रिवीजन करवाया जाएगा, आपके परफॉर्मेंस चेक किए जाएंगे, आपको होमवर्क दिया जाएगा, टीचर्स के स्लाइड्स दिए जाएंगे, टीचर्स के नोट्स आपको दिए जाएंगे, और ये सारे टीचर्स मिलकर आपको 2024 के लिए प्रिपेयर करेंगे, तैयार करवाएंगे, और ये सारे टीचर्स मिलकर मात्र आपको 6,999 रुपए में ये बैच मिलेगी। एक बात बिल्कुल मत भूलना, ये बैच सिर्फ 22 जून तक है बेटा, 22 जून तक आप इस बैच को ले सकते हैं, ये अगर आप लिख सकते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और अगर आपको आज की हमारी जो PDF चाहिए तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, योगेश सर बायोलॉजी। यहां पर मैं जब लाइव आता हूं, जैसे एक दो दिन में मैं शायद फिर से लाइव आने वाला हूं, आप लोगों से सेमिनार में मिलने वाला हूं, तो आप इसे योगेश सर बायोलॉजी पे देख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल है हमारा योगेश शुक्ला बायोलॉजी, और भी बाकी हैंडल पे आप जरूरत नहीं है, लेकिन इन दो हैंडल्स पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू ऑल, बाय बाय।